तो है नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट फिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले डॉबरमैन के 10 बेनिफिट्स के बारे में और जानेंगे अगर आपको आपके पास डॉबरमैन है या फिर आप लेने की सोच रहे हैं तो कुछ 10 अच्छी बातें इनके बारे में। और दोस्तों इससे पहले मैंने ऑलरेडी 10 प्रॉब्लम के बारे में भी वीडियो बना के रखी है, तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में भी आप दोस्तों ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो को 800 लाइक जरूर से कंप्लीट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों डॉबरमैन काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड होते हैं और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि दोस्तों ये डॉग ब्रीड काफ़ी खूंखार होती है और ख़तरनाक होती है, बट दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं। तो दोस्तों हमारा जो पहला बेनिफिट है वो दोस्तों इसी के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि काफ़ी डेंजरस डॉग ब्रीड होते हैं ऑनर के लिए और उनके फैमिली के लिए, बट दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों डॉबरमैन काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड होते हैं अपने फैमिली के लिए भी और ख़ास करके अपने ऑनर के लिए भी दोस्तों। और ये दोस्तों अगर आप इन्हें बचपन से सोशलाइज करते हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रखते हैं तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे फ्रेंडली डॉग भी होते हैं और अपनी फैमिली के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव भी होते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो कि दोस्तों अगर आपको एक अच्छा गार्ड डॉग लेना है तो दोस्तों आपके लिए डॉबरमैन सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये अपने फैमिली के लिए काफ़ी अच्छे प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड होते हैं। और दोस्तों अगर आपको और भी गार्ड करना है जैसे कि अपने फार्म को, अपने घर को, अपने जो गार्डन होते हैं उनको दोस्तों एक अच्छे से गार्ड डॉग की आपको ज़रूरत हो तो दोस्तों डॉबरमैन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों इन डॉग को दोस्तों मेंटेन काफ़ी आसान है। दोस्तों इन डॉग की बॉडी स्लिम होती है और दोस्तों काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड होते हैं ये। और दोस्तों इनके जो कोट होते हैं इनमें ज़्यादा बाल भी नहीं होते, इसलिए दोस्तों इनको दोस्तों मेंटेन रखना काफ़ी अच्छा होता है और जल्दी से दोस्तों ये वेट गेन भी नहीं करते। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी डॉग के ऊपर दोस्तों ये डॉबरमैन डॉग ब्रीड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद को अच्छे से मेंटेन रखते हैं। और दोस्तों जो नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो गार्डन है, हमारा फार्म हाउस है और दोस्तों अगर हम गांव में रहते हैं हमारे खेती है दोस्तों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको गार्ड डॉग लेना चाहिए तो दोस्तों कौन सा रहेगा। तो दोस्तों इस केस में आपको डॉबरमैन काफ़ी सही रहेगा और दोस्तों काफ़ी अच्छे डॉग माने जाते हैं दोस्तों अगर आपको गाँव के लिए चाहिए या फिर आपके गार्डन या फिर फार्म या फिर आपके होटल है आपको उसकी रक्षा करने के लिए एक डॉग चाहिए तो दोस्तों डॉबरमैन से अच्छा कोई दोस्तों डॉग और नहीं है। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे लोग हाई एनर्जी के होते हैं दोस्तों, उनके लिए दोस्तों काफ़ी हाई एनर्जी वाला डॉग ब्रीड चाहिए होता है। तो दोस्तों डॉबरमैन काफ़ी हाई एनर्जी वाला डॉग ब्रीड होते हैं, ये जल्दी से सारे काम भी कर लेता है और अगर आप रनिंग पे इसे ले जाते तो एक टाइम पे आप थक जाओगे बट ये रनिंग करते करते नहीं थकेगा, वॉक भी अच्छे से कर लेता है क्योंकि इनके अंदर काफ़ी हाई एनर्जी होती है। अगर आप इन्हें ट्रेनिंग भी देते हो तो जल्दी से ये थक भी नहीं जाते, काफ़ी अच्छे से ट्रेन भी जल्दी से हो जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी इनके अंदर एनर्जी होती है जिसके कारण अगर आप एक हाई एनर्जी डॉग ढूंढ रहे हो तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छा डॉग रहेगा। और फ्रेंड जो नेक्स्ट बेनिफिट है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा डॉग है और आप एक दूसरा डॉग लाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों डॉबरमैन काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोस्तों दो या तीन डॉग के साथ भी आसानी से रह सकता है और जल्दी से उनको दोस्तों मतलब जो झगड़ा होता है वो नहीं करता, उनके साथ भी अच्छे से रहता है और दोस्तों इन डॉग को सोशलाइज करना भी काफ़ी आसान है। इसलिए दोस्तों अगर आप एक से ज़्यादा डॉग रखने की सोच रहे हैं तो दोस्तों डॉबरमैन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों इनके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी कम होता है, अगर आपका बजट जो मीडियम है तो दोस्तों आपके लिए डॉग सही रहेगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों अगर आप डॉग को जो रेगुलर डॉग फूड नहीं दे सकते तो दोस्तों इन डॉग को आप घर का खाना भी दे सकते हैं, अच्छे से घर का खाना भी खा लेते हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ अगर आप डॉग फूड भी मिक्स करके देते हो घर के खाने में तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है इनकी जो हाइट और बॉडी अच्छे से ग्रो करती है और दोस्तों मेंटेन रहते हैं डॉग ब्रीड। तो दोस्तों आप घर का खाना और साथ में डॉग फूड मिक्स करके भी नहीं दे सकते, अच्छे से खा भी लेते और दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। और फ्रेंड जो नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों अगर आपके घर में छोटे बेबीज है या फिर बच्चे और आप एक डॉग लाने की सोच रहे हैं अच्छा गार्ड डॉग तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इन डॉग को लेके आते हो तो दोस्तों बचपन से इनको बेबीज़ के साथ सोशलाइज ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इन्हें बचपन से बेबीज़ के साथ या बाकी डॉग के साथ सोशलाइज करते तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छा डॉग ये बना रहेगा। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है यानी दोस्तों जो लास्ट बेनिफिट्स है हमारा वो कि दोस्तों ये डॉग जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ते। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभार बाकी डॉग की तरह दोस्तों डॉग को जो है डॉक्टर के पास बार बार ले जाना पड़ता है, जिसके कारण दोस्तों आपका पैसा भी खर्च होता है और जो डॉग को जो हैरान भी होता है डॉग दोस्तों, उसके कारण उसकी हेल्थ भी दोस्तों कम हो जाती है। तो दोस्तों इस केस में ऐसा नहीं होता है, अगर आप डॉबरमैन रखते हो तो जल्दी से बीमार भी नहीं पड़ते। बट दोस्तों इनको आपको मंथली या फिर 2 मंथ के बाद दोस्तों डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप कराने एक बार ज़रूर ले जाना पड़ेगा दोस्तों, इसके कारण ये डॉग
डॉग मेंटेन रहते और जल्दी भी बीमार भी नहीं पड़ते। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिएगा। और दोस्तों हमारे दोस्तों गोल्डन रिट्रीवर डॉग के ऊपर, लैब्रा डॉग के ऊपर और दोस्तों जर्मन शेपर्ड के ऊपर 10 प्रॉब्लम और दोस्तों उनके बेनिफिट्स के बारे में वीडियो बना के रखिए, तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, फिर वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपने हमें इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।